दोस्तों, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग को लोन चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे आपके बैंक में लोन मिल भी जाएगा। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये कोई प्ले स्टोर पर होने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां पर आज है कल नहीं है, यानी कि सिर्फ 2000, 4000, 5000 रुपए तक की आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहां से 15 लाख रुपए तक की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख रुपए। मिनिमम आपका जितना भी मन हो, जितना मिनिमम होगा उतना आपको आसानी से मिल जाएगा, जितना मैक्सिमम होगा हालांकि वो भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए तक की लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा लेना चाहते तब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर पढ़ाई करते, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, इसके बाद आप लोग सोच रहे कोई MBA या फिर कोई बड़ी डिग्री करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ज्यादा। अगर किसी अच्छे कॉलेज से करना है तो मिनिमम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए तो होने ही चाहिए पूरे, अगर कंप्लीट फीस की बात किया जाए तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है या फिर कोई भी आपको डिग्री करनी है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद कहती है कि पैसे की वजह से किसी की भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अच्छा है तो उसकी जो स्टडी है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए ये रूल भी है कि आप किसी भी बैंक में जाकर एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं। बहुत सारी बैंक जो कि आपको प्रोवाइड करती है, लगभग सभी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कौन सी बैंक में आपका लोन अप्रूव होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे बढ़िया अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। घर बैठे आप लगभग सभी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे फॉर्म भरकर, और जो बैंक आपका लोन अप्रूव कर देगी वहां से आपको लोन मिल जाएगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। कहीं पर आपको जाना नहीं है, किसी से आपको कुछ कहना नहीं है, आप ये काम सिर्फ अपने मोबाइल से कर सकते हैं और आपको लोन आपके बैंक में मिल जाएगा। और फॉर्म भरते टाइम आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ हर चीज की सॉफ्ट कॉपी देनी है। तो आइए जानते हैं कि आप लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको लोन मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना। भाई मैं आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। और हाँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन और फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक नोन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो सिंपली आपको वहां पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। देन गाइज, यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर या फिर साइन अप पर क्लिक करना है। देन गाइज, यहां पर आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिंपली वो भरनी है। उसके बाद एक सिंपल सा कैप्चा भर देना है। देन गाइज, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एग्री, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपली आपको एग्री कर लेनी है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, देन गाइज आपने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी भरी हुई है उस पर एक सिंपली ईमेल जाएगा, ठीक है, उस पर एक कन्फर्मेशन का लिंक होगा, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, देन गाइज यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखेगा लोन एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो रीड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। देन गाइज, यहाँ पर आपको आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है, लाइक आप यहाँ पर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सी एजुकेशन है आपकी, आपकी जो फैमिली की पर ईयर की जो इनकम है वो कितनी है, इस तरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे, देन गाइज यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है, लाइक आप यहाँ पर आपका नेम, आपके फादर या फिर आपके पेरेंट्स का नेम वो भरना है, उनकी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर धीरे धीरे सारे स्टेप, जितने भी स्टेप हैं वो सारे यहाँ पर भर देने हैं। लास्ट में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है।
देन यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं लाइक आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट एंड आपका आधार कार्ड सिंपली, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी वो सारी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जो भी है आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो भी चीज़ होती है वही बस मांगता है और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट भर जाएगा। देन गाइज, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए 7.5 लाख रुपये या फिर उससे कम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15 दिन के अंदर बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तब। अगर मान लीजिए आप उससे ज़्यादा हायर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 30 दिन के अंदर भी जा सकते हैं। इस तरह की कुछ कंडीशन जो कि आप लोग यहाँ पर रीड कर लेना। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस फॉर्म को भरकर सभी बैंक में अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो बैंक आपका लोन अप्रूव कर देगी आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। बस खाली एक बार आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उस बैंक में। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, पढ़ने में आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके नंबर कैसे आए हैं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका लोन कितनी जल्दी अप्रूव होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी कमांड की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।